भारत की सभ्यता करीब 5000 साल पुराना है। कई सूत्रों की माने तो ये उससे भी ज़्यादा पुराना है। अभी तक साइंटिफिकली करीब 8000 सालों तक की ही खोज किया जा चुका है। तो इतने सालों तक भारतीय सभ्यता ने दुनिया को क्या दिया? इसी सवाल का जवाब मैं आगे वीडियो में देने वाला हूँ। विदेशों में डायमंड की खोज 17 सेंचुरी में हुई थी, लेकिन भारत में डायमंड करीब 700 BC में मिलना शुरू हो गया था। बता दूं, कोहिनूर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हीरा है, वो भी भारत के माइन से ही निकला है। और आज भी पॉलिशिंग में यूज होने वाले मैक्सिमम टूल्स पहले भारत में ही मिले थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम बाकी देशों से भूविज्ञान में कितने साल आगे थे। वैसे आज भी दुनिया का करीब 85% डायमंड भारत में ही पॉलिश होते हैं। आधुनिक गणित का एक महत्वपूर्ण सूत्र है फिबोनाची श्रृंखला, यानी कि फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची इसी सीरीज को 1202 AD में पहली बार अपनी लेख में लिखा था, पर ये भी भारतीय इतिहास में करीब 450 BC से 200 BC के बीच संस्कृत में लिखा गया काव्य नाट्य शास्त्र में मिला था। फिबोनाची सीरीज का जिक्र हुआ था फिबोनाची के पुस्तक नेचर सीक्रेट कोड में, जो कि नाट्य शास्त्र के ऊपर ही बेस्ड था। फिबोनाची सीरीज के अलावा भी भारत आज के मॉडर्न मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। फॉर एग्जांपल 0, पाई और भी बहुत कुछ। अच्छा, कोई पाई का वैल्यू जानता हो या ना हो, लेकिन उसे ड्रेन के बारे में तो जरूर पता हो, कैसे पानी को गटर में छोड़ा जाए फिर उस पानी को दूर किया जाए। ये आजकल की मॉडर्न स्वेज और ड्रेनेज सिस्टम को 2800 BC के मोहनजोदड़ो में पाया गया था। चाहे विज्ञान हो या कुछ और, इतना ज्यादा समृद्ध थे हम। कपड़े खरीदने जाओ तो फॉरेन ब्रांड बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन एक सच ये भी है, उनसे कई सौ साल पहले ही करीब 4000 BC में भारत में कॉटन कपड़े बन चुके थे, जो कि भारत के बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में मिला है। शल्य चिकित्सा मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक बड़ा रोल प्ले करता है। दुनिया को सर्जरी भारत का एक बड़ा उपहार जैसा है। दुनिया का पहला सर्जरी सुश्रुत के द्वारा 2000 BC में किया गया था, मतलब आज से करीब 4000 साल पहले। सुश्रुत के लिखे हुए कई किताब अभी भी ब्रिटेन और भारत के म्यूजियम में मिलते हैं। इतिहास में हम कितने महान थे वो आज हर भारतीय को पता रहना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास ही हमारा मूल है। आज जो एक बात चलती है, फॉरेनर्स आर ग्रेट, दे गे बस सो मच, इसी सोच को बदलना जरूरी है। हम भारतीय भी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किए हैं, और ये बात आने वाले समय में हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए इंस्पिरेशन और वैल्यूज का सोर्स बनेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।